स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों फाइनली झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची के द्वारा दोस्तों क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, मॉडल पेपर 2024 को दोस्तों जारी कर दिया गया है, यानी कि रिलीज कर दिया है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है क्लास 10th का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का दोस्तों मॉडल प्रश्न पत्र को सोल्व करने वाले हैं। और ये जो आपका मॉडल प्रश्न पत्र है दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न यानी कि न्यू एग्जाम पैटर्न है, उसी पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र जारी हुआ, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर कुल प्रश्न जो आपका 52 को दिया गया है, ठीक है, 52 है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, कब, तो 12 फरवरी को, ठीक है, 12 फरवरी का जो आपका सोशल साइंस का एग्जाम होगा उसमें आपको 52 को क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। चलिए कैसा एग्जाम पैटर्न है आपको तो मॉडल पेपर में पता लग गया होगा। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अभी सोशल साइंस का अपलोड कर, इसके बाद दोस्तों अन्य सब्जेक्ट का लगातार आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों चल पहले बार सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को और भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारा मॉडल पेपर का सोल्यूशन आपके हाथ पहुंच सके, ठीक है। चलिए यहाँ पर पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सामान्य निर्देश को आप पढ़ लीजिएगा, मॉडल पेपर हम आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। जैव संसाधन का कौन उदाहरण है दोस्तों, तो जैव संसाधन का जो उदाहरण है ये मनुष्य, ठीक है, मनुष्य जो आपका जैव संसाधन का उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर आपसे पूछा गया है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में कौन सा बंटवारा होना चाहिए, जो मानव जीवन का गुणवत्ता को गुण को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और विश्व शांति शांति बनाने के लिए दोस्तों कौन से संसाधन का समाज में कैसा बंटवारा करना चाहिए, ये आपको किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर 2 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, न्याय संगत, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, न्याय संगत। चलिए 3 नंबर दोस्तों बोलता है निकोबारी कबूतर किस जाति की श्रेणी में आता है। क्या दोस्तों आप निकोबारी कबूतर को देखे हैं, नहीं देखे हैं, तो ये कौन सा जाति में आएगा, तो स्थानिकीय जातियां में, ठीक है, निकोबारी कबूतर स्थानिकीय जातियां में आता है, ठीक है, तो 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 4 नंबर पूछा निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है। देखिए महानदी दोस्तों हीराकुंड परियोजना ये सुमेलित है, टांका भूमिगत जल टैंक यानी कि जो टांका है ये तमिल भाषा का रूप है, तो जो कि जल एकत्रित करने वाला टैंक को ही टांका कहते हैं। महानदी आपका हीराकुंड आपको पता है, ठीक है, और इल्तुतमिश, ठीक है, हौज खास ये भी आपका सुमेलित है, लेकिन गंगा जो है भाकरा नंगल परियोजना ये आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर पूछा है रवि फसल को किस ऋतु में बोया जाता है। जो रवि फसल है दोस्तों, ठीक है, जैसे कि गेहूं हो गया, ठीक है, आपका रवि फसल में आता है, तो इसको दोस्तों कौन से दिनों में बोते हैं, जैसे कि अभी शीत का मौसम चल रहा है, ठीक है, ठंडा का मौसम चल रहा है, तो देखिए गांव देहात में जो अभी जो है गेहूं को बोया जाता है, ठीक है, गेहूं आपका बोया गया होगा, ठीक है, और अब तो उसको जो है फसल उग गया होगा, उसको काटने का बारी हुआ, ठीक है, तो इसको हम लोग जो है शीत ऋतु में बोते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ठीक है। अगर रबी फसल आता है तो ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, रबी फसल का उदाहरण धान यानी कि चावल। चलिए 6 नंबर दोस्तों बोलता है चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। चाय जो आप चाय पीते हैं, चाय या कॉफी, ठीक है, तो ये दोस्तों आपका रोपण है, रोपण के रोपण आपका जो क्या हो जाएगा, रोपण कृषि का उदाहरण, ठीक है, चाय हो गया, कॉफी हो गया, तो ये आपका रोपण कृषि का उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपका 6 नंबर कहता है 7 नंबर, ठीक है, झारखंड के गुआ और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। ठीक है, झारखंड में गुआ और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो आप सभी का लोह आयसक पाया जाता है, ठीक है, लोह आयसक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। किसका दोस्तों आपका जो है पहुंचाव यानी कि एक जगह दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपका जो पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो 8 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका पानी भी, कच्चा तेल भी, पेट्रोल उत्पाद ये सभी का सभी पाइप के द्वारा दोस्तों एक देश से दूसरी जगह जाता है, यानी कि परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए 9 नंबर दोस्तों कहता है हमारे देश के 22 आपका जो प्रमुख भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है। जबकि आपका जो हमारे जो भारत देश उसका 22 को प्रमुख भाषाएं है, ठीक है, तो उसको दोस्तों कौन से भाषा के अनुसूची में रखा गया है, तो उसको दोस्तों 8वीं अनुसूची में रखा गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर कहता है स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है।
स्थानीय जो शासन व्यवस्था हुआ तो उसमें महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षित है, ठीक है, यही आपसे पूछा। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक तिहाई, ठीक है, एक तिहाई, एक तीसरा भाग, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 11 नंबर का था अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ, ठीक है, अमेरिका में दोस्तों नागरिक अधिकार जो आंदोलन है ये कब हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, 1954 से लेकर 1968, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आपका जो है 12 नंबर का था भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है, यानी कि भारत में जो भी राज्य विधानसभा, ठीक है, उसमें वुमेन के लिए, ठीक है, महिला के लिए दोस्तों कितना प्रतिनिधित्व चुनाव के लिए, ठीक है, जो वहां पर आपको जो है कितना जो फीसदी है प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है उसका, तो यहाँ पर 12 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ठीक है, 5% से कम, ठीक है, 5 से भी कम। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 13 नंबर का था इनमें से कौन से देश में द्विलीय, ठीक है, व्यवस्था है, तो कौन से देश में दोस्तों द्विलीय व्यवस्था है, तो 13 आपका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। द्विलीय जो व्यवस्था है, टू पार्टी का सिस्टम आपका जो अमेरिका में है, ठीक है, कहाँ, अमेरिका में। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 14 नंबर का था नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया, नेपाल में जो आपका जो राजतंत्र था दोस्तों, ठीक है, तो उसमें दोस्तों आपका जो कौन सा वर्ष समाप्त किया गया, तो 14 का ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, 2008 में राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र का नीति अपनाया गया, ठीक है। चलिए 15 नंबर दोस्तों का था बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था, बोलिविया में जो भी पानी का निजीकरण था दोस्तों उसके खिलाफ यानी कि आंदोलन में मोमेंट में, ठीक है, जो अगुवाई किया था वो कौन से संगठन ने किया था, संगठन का क्या नाम था, तो 15 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, फिडाकोर, फिडाकोर दोस्तों आपका जो नाम था, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 16 नंबर कहता है केरल में शिशु मृत्यु दर कम करने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, केरल में जो शिशु मृत्यु दर कम हो रहा है दोस्तों उसका कौन कारण है, एक मुख्य कारण आप सभी को बताना है, ठीक है, तो 16 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी महिलाएं सुविधा की प्राप्त उपलब्ध, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए 17 नंबर दोस्तों बोलता है निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है, ठीक है, कहा जा सकता है, तो निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है, तो 17 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो है 18 नंबर कहता है रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं, पहला सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, दूसरा विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, या फिर तीसरा खाद्य प्रशासन की इकाई की स्थापना, तो ये आपको जो आपका 3 को ऑप्शन दिया, ठीक है, इसके अनुसार आपको जो सारा ऑप्शन का आपको टेकआउट करना, ठीक है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ठीक है, 1, 2, 3 यानी कि 1, 2, 3 तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रोजगार अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, ठीक है, सिंचाई में सुविधा में वृद्धि करने के लिए, विद्यालय अस्पताल की स्थापना करने के लिए, खाद्य प्रशासन इकाई की स्थापना करने के लिए, ठीक है। चलिए 19 नंबर दोस्तों का था निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी भारत सरकार की ओर करेंसी नोट जारी करता है, तो ये दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आपका भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ बैंक द्वारा जो है जारी किया जाता है, ठीक है, करेंसी जो है SBI के द्वारा ही जारी किया जाता है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। चलिए आगे दोस्तों 20 नंबर का था राम और श्याम दो छोटे किसान है जिन्होंने अलग अलग श्वेतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया, राम ने आपका 1.5 यानी कि 1.5% ब्याज प्रतिमाह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से जबका प्रतिशत जो है प्रतिवर्ष, ठीक है, एक जो दोस्तों एक आपका जो 1.5% प्रतिमाह एक महीना में, ठीक है, और एक जो आपका जो है लिया है वो 8% लिया है वो एक साल में, ठीक है, एक वर्ष में, तो प्रयुक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सबसे पहले देख लीजिए कि 1.5 को अगर 12 से गुणा कीजिए तो कितना होगा 12 और यहाँ पर 6, 18 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 18% है दोस्तों जो है कौन था किसका नाम था राम जो है एक साल में ब्याज को भरेगा, ठीक है, 18%, ठीक है, अगर 1.5% एक महीना में होता तो आपका जो 12 महीने कितना हो जाएगा 18, क्योंकि 2 महीना में हो जाएगा 3%, ठीक है, इसी प्रकार से 3, 6, 18 हुआ ना, और यहाँ पर देखिए क्या बोलता है राम ने सही किया कि उसे किस प्रकार के कागजात करवाई नहीं करना पड़ी, श्याम की हालत ज्यादा खराब है क्योंकि उसे ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, ठीक है, तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा
कि राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। राम दोस्तों 18% ब्याज देगा और श्याम दोस्तों आपका जो है 8% ब्याज देगा। तो राम जो है 10% ज़्यादा ब्याज दिया, ठीक है, तो राम का हालत ज़्यादा खराब होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर दोस्तों का था, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार RTI नामक जो है कानून कबल किया गया, तो यहाँ पर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, अक्टूबर 2005 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, नेक्स्ट 22 नंबर का था, सरकार द्वारा अवरोधों तथा अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो सरकार के द्वारा अवरोधों तथा अथवा जो प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों 23 नंबर का आता है, अर्नेस्ट रेनर किस देश के दार्शनिक थे। तो ये दोस्तों आप सिर्फ कौन से देश के दार्शनिक है, तो ये आपका जो फ्रांसीसी का है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 24 नंबर दोस्तों बहुत ही बच्चा वाला प्रश्न कहा था, फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो ये तो बच्चा को पता होगा कि 1789 में 14 जुलाई 1789 में फ्रांस का क्रांति हुआ था, ठीक है, ये चैप्टर आपको भी बहुत पढ़ाया हुआ, ठीक है, मुझे भी बहुत पढ़ाया था जब हम 10 में थे। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 25 नंबर का था, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन है। तो यंग इटली बोला, यंग इटली जो आपका भूमिगत संगठन के संस्थापक है जोसेफी मेसिनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जोसेफी मेसिनी, या फिर इसको मेजिनी भी कहा जाता है, ठीक है, घर पर आइएगा नहीं। चलिए 26 नंबर का था, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो जो महात्मा गांधी था दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से जो भारत लौटा था जनवरी 1915 में, ठीक है, 1915 ईस्वी में जनवरी में, ठीक है, भारत लौटा था कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, तो 1915 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 26 का, ठीक है। चलिए 27 नंबर दोस्तों का था, पूना पैक्ट डॉक्टर भीम अम्बेडकर एवं किसके मध्य हुआ था। जो पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है, भीम यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और किसके बीच हुआ था, तो 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी के बीच, ठीक है, बापू और आपका जो है महात्मा गांधी यानी कि आपका और भीमराव अम्बेडकर जिसको संविधान का निर्माता कहते हैं, ठीक है। चलिए 28 नंबर का था, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी फैली। रिंडरपेस्ट दोस्तों पशु रोग बीमारी होता है, ठीक है, जो कि पशुओं में पाया जाता था, तो ये दोस्तों आपका जो है किसमें फैला गया था, कौन से देश में सबसे ज्यादा, तो ये आपका जो अफ्रीका में फैला गया था, ठीक है। चलिए 29 नंबर का था दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा देश मिश्र राज के पले में आया था, ठीक है, पले में था, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रिटेन, इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए 30 नंबर का था, स्पेनिंग जेनी मशीन किसको द्वारा बनाया गया, तो स्पेनिंग जेनी मशीन दोस्तों जेम हार्ग्रीव्स के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, और इस मशीन से दोस्तों एक साथ जो है बहुत सारे सूती कपड़ों को काटा जाता था, इस मशीन से जो है महिलाएं भी डरती थी ताकि उन्हें जो अपना रोजगार को छीनना जो है जाए, ठीक है, यानी कि उनका रोजगार जो है खत्म न कर दिया जाए, तो स्पेनिंग जेनी मशीन के विरोध भी थी, आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो यह दोस्तों जो है 30 ऑब्जेक्टिव आज के इस वीडियो में हम आपको बताएं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम सब्जेक्टिव का प्रश्न लेकर प्रश्न का उत्तर जरूर से जरूर लेकर आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।